फ्रेंड्स वेलकम। इस वीडियो में आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पिछली वीडियो में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। सपोज ए एक सेट है, ए एक समुच्चय है और इसके एलिमेंट्स हैं 3 and 4। इसके एलिमेंट्स क्या है? 3 and 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम। तो देखिए, ए का जब ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारे एलिमेंट 3 3 3 4 4 3 और 4 4। ये आपके एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। यदि हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम एक ऐसा रिलेशन ले लें जिसके एलिमेंट क्या हो, 3 3 and 4 4 हो। यहाँ पे हमने देखिए, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एक रिलेशन है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसे हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर, ईच ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन। तो यहाँ पे अगर हम एक रिलेशन आर इस प्रकार सेलेक्ट करें, इस प्रकार ले लें कि जिसमें बोथ एलिमेंट, ए में जितने एलिमेंट हैं वो दोनों क्या है, इक्वल हो, 3 हो। फर्स्ट कंपोनेंट का एलिमेंट 3 है तो सेकंड का भी 3, दोनों कंपोनेंट इक्वल हो, 3 3 4 4। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं और इसे आई ए से डिनोट करते हैं, आई ए से डिनोट करते हैं। तो आर एक ऐसा रिलेशन है जिसके बोथ कंपोनेंट क्या है, सेम है। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। यहाँ पे आर इज इक्वल हो जाएगा आई ए, और ये किससे फाइंड किया आपने, ए क्रॉस ए से फाइंड किया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास ए एक सेट है और इसके एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी। आपने यदि R एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में से R इस प्रकार का लिया जिसमें क्या आए, ए ए बी बी सी सी एंड डी डी, सारे एलिमेंट्स का जितने भी थे उनका आइडेंटिटी मींस वही दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। A है यहाँ तो यहाँ भी A होना चाहिए, B है तो B होना चाहिए, सी और सी, डी डी। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और यदि इस ए में ए बी सी डी चार एलिमेंट्स थे और हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से क्या लें, ए ए ले लें, बी बी एंड सी सी, हमने सी सी ले लिया और क्या छोड़ दिया हमने, डी का डोमेन और इमेज छोड़ दिया। तो यहाँ पे इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। तो देखिए, यह है आइडेंटिटी रिलेशन, मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के प्री इमेज और इमेज, या डोमेन और कोडोमेन, ये डोमेन और रेंज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिए आप ध्यान से। ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इस प्रकार से लिया कि जिसमें 4 एलिमेंट और उनके इमेज इक्वल हो, ए ए बी बी सी सी डी डी, तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। और यदि इसमें से एक भी छूट गया, एक भी एलिमेंट छूट गया, जैसे डी का क्या नहीं है, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, डी का न तो प्री इमेज है न इमेज है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। एक बात और, यदि आर हमने इस प्रकार से लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कि हमने ए ए ले लिया, बी बी ले लिया, सी सी ले लिया, सी सी ले लिया, डी डी ले लिया, और इसके अतिरिक्त हमने ए बी भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, तो तब भी क्या नहीं होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन में रिलेशन का मतलब है केवल सेम एलिमेंट होने चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं होने चाहिए। जितने ए में एलिमेंट है उनके सब के
सेम एलिमेंट, सेम इमेज और प्री इमेज होने चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ और भी आ जाए, जैसे यहाँ पे ए भी आ गया, तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, ये सेम होनी चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं हम, उम्मीद है आपका ये क्लियर हो गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद चर्चा करते हैं हम इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ आवर रिलेशन किसे कहते हैं। देखिए आप ध्यान से, बहुत ही इजी है इनवर्स, और ये आपका फंक्शन जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें इनवर्स का बहुत ही ज्यादा यूज होगा। तो इनवर्स, इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज इनवर्स रिलेशन। देखिए यहाँ पे कोई सेट ले लिया हमने, इसके एलिमेंट ले लिया हमने 3, 4, 5, इसका हमने, और एक अदर सेट ले लिया हमने बी, बी बी में है एलिमेंट 1 and 2, किनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो, या आपका ए का बी के साथ 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1 and 5, 2, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हुआ। और इसमें से ये सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, रिलेशन है, ये क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है। और इसी में से हमने ये रिलेशन ले लिया 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, हमने सारे रिलेशन, सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। तो ये एक रिलेशन है, इसका इनवर्स अगर हमको फाइंड करना है तो देखिए कुछ भी टफ नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, जो डोमेन होता है वो कोडोमेन हो जाता है, कोडोमेन का डोमेन और डोमेन का कोडोमेन, दोनों कंपोनेंट के एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंजेस। जैसे यहाँ पे 3 क्या था, डोमेन था, और 1 क्या था, कोडोमेन या इमेज था। तो ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट, इनवर्स हो जाएगा इसका। तो 1, 3, 2, 3, 1, 4, 4, 1 था, 4, 1 का 1, 4 हो गया, 4, 2 था, 4, 2 का 2, 4 हो गया, 5, 1, 5, 1 का 1, 5, और 5, 2 का 2, 5। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन। कोई भी रिलेशन है उसके कंपोनेंट क्या कर लेने हैं, चेंज कर लेने हैं, डोमेन का कोडोमेन, कोडोमेन का डोमेन। तो बहुत ही इजी है, जैसे एक रिलेशन है 1, 7, 7, 2, 8, 9, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स इज इक्वल हो जाएगा 7, 1 का हो जाएगा 1, 7 का हो जाएगा 7, 1, 7, 2 का हो जाएगा 2, 7, एंड 8, 9 का हो जाएगा 9, 8, डोमेन को कोडोमेन, कोडोमेन को डोमेन, इंटरचेंजेबल। तो ये है इसका इनवर्स। इसके पश्चात बात करते हैं अगले फंक्शन की, ये है एम्प्टी फंक्शन। इससे पहले हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी क्या ना हो, एलिमेंट ना हो, तो वही एम्प्टी रिलेशन भी है। हम एम्प्टी रिलेशन इसे क्या कहते हैं, और एम्प्टी सेट को जो कहते हैं नल, नल रिलेशन या वॉइड, नल या वॉइड रिलेशन। देखिए सपोज एक ही कुछ एलिमेंट देखे आपको, ए इज इक्वल देखा सपोज 3 and 4, ए के एलिमेंट क्या है 3 और 4, ए का हमने ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, या हमारा 3, 3, 3, 4, 4, 3 और 4, 4, या आपका रिलेशन फाइंड हो गया, सारे रिलेशन, सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन फाइंड कर लिया। और अगर हम R बराबर एक ऐसा रिलेशन हमें दिया है कि R में दो एलिमेंट्स हैं A एंड B, सच दैट A प्लस B इज इक्वल 10, मीन्स हमारे पास ये ऑर्डर पेयर निकालने के बाद, हमारे पास सपोज हमको एक ऐसा रिलेशन लेना है इनमें से, इसके ऑर्डर पेयर में से एक ऐसा रिलेशन लेना है कि ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल 10, मीन्स हमको एक ऐसा रिलेशन लेना है कि जिसके दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं
उनका सम क्या हो, 10 हो, उनका सम क्या हो, 10 हो। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑर्डर पे ले लीजिए 3 and 3, हमारा जो रिलेशन है, जो रिलेशन आ रहा है उसमें पहला ऑर्डर पेयर है 3 and 3। तो हमको ये रिलेशन किस प्रकार का बनाना है कि जिसमें एलिमेंट का संख्या हो 10 हो। तो देखिए 3 + 3 इज इक्वल क्या आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है, जो कि किसके बराबर नहीं है, 10 के बराबर नहीं है। 3 और 4 का सम आ रहा है 3 + 4 = 7, जो कि किसके बराबर नहीं है, 10 के बराबर नहीं है। 4 और 3 का आ रहा है 7, जो कि 10 के बराबर नहीं है। 4 और 4 का आ रहा है 8, जो कि 10 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है R, इसको हम कहेंगे phi। phi means ये क्या हो जाएगा, empty relation हो जाएगा। क्या हो जाएगा, empty relation means इस relation में ऐसा कोई भी ordered pair नहीं होगा जिसके दोनों component का सम क्या आ जाए, 10 के equal आ जाए। तो ये होगा आपका empty relation। इसके बाद बात करते हैं universal relation की। यूनिवर्सल रिलेशन सेम है जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पढ़े थे, एम्प्टी सेट पढ़े थे, ऐसे ही ये रिलेशन भी है। यूनिवर्सल रिलेशन, रिलेशन सेट ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, मैं हर बार ए ही ले रहा हूं। बी इज इक्वल ले लिया आपने 2, 3 and 4, एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4। तो बी का बी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3 and 4, 4। 9 हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए आप, यदि यहाँ पे प्रत्येक क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन होता है। यहाँ पे हमने केवल 2, 2 लिया, इसमें से इस B और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने केवल एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी क्या है, रिलेशन है। यदि हमने R2 लिया जिसमें हमारे पास 2, 4 and 3, 2 था, इसमें 2 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। लेकिन यदि हमने एक रिलेशन इस प्रकार से लिया जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हो, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3 and 3, 4, सारे ऑर्डर्ड पेयर कोई भी ना छूटे, तो यहाँ पे इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव फंक्शन। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, रिफ्लेक्सिव फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको स्वतः ही आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य, और स्वतुल्य का मतलब होता है अपने जैसे, स्वयं के जैसे। तो देखिए ए इज इक्वल है 1, 2, 3 भी रखा, सपोज ए इज इक्वल क्या भी रखा है 1, 2, 3, ए का ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया हमने, तो ये आया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, 2, 3, 3। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब है अपने जैसे। तो देखिए अगर हम एक रिलेशन ऐसा लेते हैं, एक ऐसा रिलेशन लेते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें 1 था तो 1 के जैसे क्या है, 1 है, 2 है एलिमेंट सेट एक, 2 के जैसे क्या है, 2, 3 एलिमेंट है, 3 के जैसे क्या है, 3, 3। यदि ये सारे एलिमेंट आ जाए एक सेट में तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया, ये
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए ए में थे 1, 2 और 3, और यदि हम एक ऐसा रिलेशन लेते हैं जिसमें 1, 1 आए और 3, 3 आए और कुछ ना आए, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। इसको क्या नहीं कहेंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए जितने एलिमेंट थे 1, 2, 3 स्वयं के जैसे स्वतुल्य, सबका स्वतुल्य होना चाहिए। 1 था तो 1 का 1 आ गया, 2 था तो 2 का 2 आ गया, 3 था तो 3 का 3 आ गया। जितने एलिमेंट हैं उनके स्वतुल्य आने चाहिए, उनके रिफ्लेक्सिव आने चाहिए, डोमेन और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। ये आ गए तो ये रिफ्लेक्सिव है। इनमें से एक भी अगर छूट गया तो वो क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। या ये सब आ गए, 1, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, 3, 3 आ गया, और जितने बचे हैं, जितने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो भी आ गए, 3, 1, 3, 3 सब आ गए, तब भी ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है। इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट जो है, जितने एलिमेंट है उनका स्वतुल्य आना बहुत जरूरी है। उनमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी छूटेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और वो सारे आ गए और उसके अतिरिक्त ऑर्डर्ड पेयर आ गए तब भी रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए, इससे पहले हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था। आइडेंटिटी में क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन में सेट ए, देखिए ए में एलिमेंट था 1, 2 और 3, तो आइडेंटिटी के लिए रिलेशन में क्या आना है? केवल 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आइडेंटिटी में, तो ये आइडेंटिटी होगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव में ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 आए, इसके अतिरिक्त भी और ऑर्डर्ड पेयर आए तो रिफ्लेक्सिव होगा। मीन्स रिफ्लेक्सिव में ये तो आएगा, इसके अतिरिक्त भी आएगा, लेकिन आइडेंटिटी में केवल वही आएंगे जो एलिमेंट है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद पढ़ेंगे आप सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल है 3, 4, 5 इज इक्वल 3, 4, 5 है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, ये आया 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 4 एंड 5, 5। तो देखिए ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आया। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक का मतलब है कि यदि एक्स किसी एलिमेंट ए का एक एलिमेंट है और वाई क्या है? किसी दूसरे का है। एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, ठीक है, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में यदि एक्स वाई भी आ गया और वाई एक्स भी आ गया, एक्स वाई आ गया और वाई एक्स आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसका एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे आर इजिकल आ गया 3, 4, आर इजिकल 3, 4 आया है, और यदि R इज इक्वल 4, 3 भी आ गया, R इज इक्वल क्या आ गया? 4, 3 आ गया, तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। R इज इक्वल 3, 4 आया और R इज इक्वल 4, 3 आया, तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। और क्या एलिमेंट थे इसमें? जैसे 3, 5 आ गया आपका और 5, 3 भी आ गया, 3, 5 है, 5, 3 है और 4, 5 है, 5, 4 है, तो इसको क्या कहेंगे? एक सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। यहाँ पे R इज ए और A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, इसमें क्या क्या थे? इसमें थे 3, 4, 3, 4 था, 4, 3 था, 3, 4, 4, 3, 3, 4 आ गया, 4, 3 आ गया और 3, 5, 5, 3
और 3443 3553 45 और 54, तो ये सारे रिलेशन क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है जो भी यहाँ पे अगर 3-4 आया और सपोज 4-3 नहीं आया, 3-4 आया, 4-5 आया और 5-4 आया। देखिए यहाँ पे R1 एक रिलेशन लिया हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसमें 3-4 आया, 4-5 आया, 5-4 आया, तो ये क्या नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें एक ऑर्डर पेयर 3-4 भी है और इस 3-4 का सिमेट्रिक नहीं आ रखा है। 3-4 है तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, 4-3 भी आना चाहिए था, तो ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, यदि किसी रिलेशन R में, देखिए XYZ क्या है, किसी सेट A के एलिमेंट है, किसी सेट A के एलिमेंट है और इसमें से रिलेशन क्या है, XY रिलेशन R का एलिमेंट है, YZ भी रिलेशन R का एलिमेंट है और इन दोनों से, देखिए अगर XZ भी R का एक एलिमेंट है तो इसे कहते हैं ट्रांजिटिव, ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। मींस XY आया, YZ आया, तो देखिए क्या आना चाहिए, XZ, XZ भी अगर R का एलिमेंट हो तो ये रिलेशन कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका एग्जांपल देते हैं, सपोज A इज इक्वल 3-4 है और A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया आपने, या 3-3, 3-4 और 4-3 और 4-4। यहाँ पे देखिए इसमें 3-3, 3-4 आगे ये देखिए आप, इसमें R एक ऐसा रिलेशन लेते हैं हम, सपोज कि 3-4 एलिमेंट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, 4-3 भी है और यहाँ पे 3-3 भी आ रखा है, 3-3 भी इसका एक एलिमेंट है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार R में कुछ एलिमेंट ले लीजिए आप, 4-5, 5-6 और अगर इसमें 4-6 भी प्रेजेंट है, देखिए 4-5 है, 5-6 है और 4-6 भी इसमें प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या कहलाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए कोई भी रिलेशन यदि क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन।